हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। फ्रेंड्स, मैंने इस अध्याय का 5 वीडियोज पहले ही बना दिया है। यह इस अध्याय का 6ठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है परागकण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक या कारक, चलिए शुरू करते हैं। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय तथा 1 जीवीय कारक का उपयोग करते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अजीवीय का मतलब वैसा वस्तु, वैसा चीज जिसमें जीव न हो, जैसे वायु और जल है, और जीवीय का मतलब प्राणी जिसमें जीव हो। कारक को ही हम एजेंट कहेंगे। यानी परागण के लिए जो पुष्पी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, 2 साधनों का यूज करते हैं, या 2 कारक का यूज करते हैं, या अभिकर्मक का यूज करते हैं। एक अजीवीय और दूसरा जीवीय। अजीवीय में वायु और जल आता है, जबकि जीवीय में प्राणी आते हैं और इनका उपयोग करके ये परागण की क्रिया करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। इसमें आप याद रखिएगा, जो अधिकांश पुष्प हैं या पौधे हैं वो परागण के लिए किसका उपयोग करते हैं, जीवीय कारकों का, और बहुत कम पौधे हैं जो अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। और जो अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती है, न कि वैसे जैसे जीवीय यूज करते हैं उतना तेज। जैसे वायु तथा जल दोनों ही कारकों के में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हवा से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजाणुओं की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, जो परागकण बनते हैं वो पराग कोष में बनते हैं और इनको गति करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना रहता है, जिसमें बहुत कम चांस रहता है। यानी एक संयोग की बात है कि एक पराग कोष से परागकण उड़े और वहां से जा करके और फिर वर्तिकाग्र तक पहुंचे। इसलिए पराग कोष में परागकण असंख्य मात्रा में बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परागकण बनते हैं, ताकि उनमें से कुछ बर्बाद भी हो जाएंगे तो कुछ तो वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। ये आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं कि परागकण क्यों ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उनको गति करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना रहता है, और अगर कम होंगे तो रास्ते में ही रह जाएंगे, स्थानांतरण सही से नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य है। जो अजीवीय परागण का तरीका है उसमें वायु सबसे सामान्य है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की आवश्यकता होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। अब जितने भी परागण होता है अजीवीय माध्यम से, उनमें क्या होता है कि जो परागकण होते हैं उनके हल्के होने चाहिए और उनमें कुछ चिपचिपे पदार्थ का होना आवश्यक है, ताकि वे जाकर के सट सके वर्तिकाग्र में। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसरों से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव से प्रसारित हो सके, तथा बृहद एवं प्रायः पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को अवध किया जा सके। देखिए, जो परागकोष होते हैं वो ऐसे स्थान पे होते हैं, इस तरह से उनका बनावट होता है कि वो अच्छे से हवा में उड़ सके। उसी तरह वर्तिकाग्र जो होता है वो ज्यादा बृहत होता है, बड़ा होता है, ताकि उस पर आकर के परागकोष, यानी परागकण परागकोष से जो निकलते हैं वो आकर के वहां पे चिपक सके और निषेचन की क्रिया हो सके। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट्स आदि में
नर युग्मकों के परिवहन का नियम जल साधन ही है। फ्रेंड्स, जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें परागण काफी दुर्लभ है कि पानी या वायु से हो, तो वो कीटों द्वारा यानी प्राणियों द्वारा परागण होता है। जबकि जो निम्न स्तर के समूह के पौधे हैं, जैसे एल्गी हैं या फिर ब्रायोफाइट्स हैं या टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें जो नर युग्मों का संचरण है वो जल द्वारा ही होता है। और आगे देखते हैं, यही यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है, यानी जल से निषेचन होता है इनमें, इसलिए इनकी संख्या तेजी से नहीं बढ़ती है, क्योंकि हर जगह तो उतना जल मिलता नहीं है। इसलिए जो नर युग्मक होते हैं वो संचरण नहीं कर पाते हैं, यानी स्थानांतरण करके वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए निषेचन नहीं हो पाता है और उनकी निषेचन क्रिया स्लो होती है। इसीलिए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के जो प्रजाति के पौधे हैं उनकी संख्या कम है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वैसिलनेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेकों समुद्र जलीय घास हैं जैसे जोस्टेरा आदि हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग नहीं लाते हैं। अब आपको यह भी याद रखना है कि जो या तो पहले तो जल और वायु द्वारा परागण की संख्या बहुत कम होती है, मात्र 30 ऐसे वंश हैं जिनमें वायु या जल द्वारा परागण की क्रिया होती है, और बहुत से जलीय पौधे भी हैं उनमें भी जल द्वारा परागण नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ या वाटर लिली पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। आपने वाटर लिली का नाम तो अवश्य ही सुना होगा 11th में या पिछले चैप्टर में भी, जो इनमें क्या होता है, परागण कीटों द्वारा होता है जबकि यह एक जलीय पौधा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पुष्प में ये जलीय पौधे हैं जिसका नाम है वेलिसनेरिया। यहाँ पे ये देखिए, ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है। इसमें यहाँ पे ये परागकण है जो कि हवा में जब मुक्त होते हैं, यानी पानी में जब मुक्त होते हैं, तो ये तैर करके ऊपर आते हैं और ऊपर यहाँ देखिए वर्तिकाग्र है, यहाँ पे जाकर सड़ जाते हैं और निषेचन की क्रिया होती है पानी द्वारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कीट परागण। यहाँ पे कीट क्या कर रहा है, आता है रस चूसने के लिए या फिर सुगंध लेने के लिए, और यहाँ पे इसमें परागकण इस पे सट जाते हैं और यहाँ से ले जा करके फिर दूसरे पुष्प पे बैठता है, वहां से परागण क्रिया होती है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मरकंद पैदा करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायु या जल से परागित होते हैं उनकी कुछ खास रंग नहीं होता है, उनके पुष्प सुंदर नहीं होते हैं, या ना ही उसमें कोई मीठा पदार्थ होता है, मरकंद यानी कोई ना ही ऐसा मीठा पदार्थ होता है जिससे कि कीट आकर्षित हो, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वायु और जल से परागित होते हैं उनके लिए कीटों की जरूरत ही नहीं है। कीट परागण के लिए ना कीट की जरूरत है, जब जल और वायु से परागित हो रहे हैं उनके लिए तो कीटों की जरूरत नहीं है, वो तो जल या वायु से परागित हो जाते हैं, इसलिए उसमें रंग या महक या खुशबू की जरूरत या मरकंद की जरूरत नहीं होती है। जबकि जो पुष्प कीटों से परागित होते हैं उनमें रंग, मरकंद और खुशबू की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से कीट आकर्षित होते हैं और परागकणों को स्थानांतरित करते हैं जिससे परागण की क्रिया होती है। यहाँ देखिए, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागकण कारक के रूप में उपयोग करते हैं, मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, वर, चींटियां, शलभ या कीट, पक्षी तथा चमगादड़ आदि समान परागणीय अभिकर्मक हैं, यानी जो अधिकांश पुष्प है ये इन कीटों का, इन पक्षियों का उपयोग करते हैं परागण के लिए। ये क्या करते हैं, जो मधुमक्खियां होती है या फिर ये और प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, एक बार जाते हैं और नर पुष्प के पास, यानी जो एक लिंगी पुष्प है उसमें नर पुष्प के जाएंगे और वहां पे उन पे जो पराग कोष होगा वहां से इनके शरीर पे परागकण आकर के चिपक जाएगा। मान लीजिए कि ये एक मधुमक्खी है, फिगर तो अच्छा नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक मधुमक्खी है और ये रस चूसने जाती है, तो
तो इस पे क्या होता है, इनके शरीर में परागकण सट जाते हैं और ये फिर जा करके मादा पुष्प पर बैठती है, तो यहाँ पे वर्तिकाग्र पर बैठती है, तो इसके ऊपर के जो ये परागकण होते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं और यहाँ से परागण क्रिया होती है। और इसीलिए जितने सारे पुष्प होते हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है, उनको आप ध्यान से देखिएगा तो पुष्पों में क्या क्या होता है, उनमें तो एक होता है परागण के लिए खुशबू होती है, उसमें क्या होती है जी, खुशबू होती है पहले, उसके अलावा क्या होता है, रंग होता है, आकर्षक रंग होता है, और सही उसके साथ ही मरकंद होता है, मरकंद होता है और मकरंद होता है उसमें, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो कीट हैं या प्राणी हैं वो खुशबू रंग या मकरंद के लिए उस पुष्प के पास जाते हैं और इसी चक्कर में वे जा करके पुष्प को परागित कर देते हैं, ठीक है। ये इनमें याद रखना है आपको, आप अपने अगल बगल भी पुष्प होगा या कोई फल होगा वहां पे आप देखिएगा कि उनको उनके पास कौन से कीट या प्राणी जाते हैं उन्हें, वो और वो परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। ऐसे ही वो जो उनके लिए ये क्या है, उनके लिए एक उपहार है या ऐसे कहें पुरस्कार है, जिसके लिए वो जाते हैं और परागण करते हैं, उसके पुरस्कार में उनको क्या मिलता है, खुशबू मिलती है, रंग मिलती है या फिर मकरंद मिलता है, जिसके लिए वो जाते हैं पुष्प के पास और परागण क्रिया को संपर्क करते हैं। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की जगह सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोरफोफेलस का लंबोतर पुष्प जो स्वतः 6 फुट लंबा होता है, ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर आता है और जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि एक शलभ और एमोर फोफेलस नामक दो जीव हैं जिनमें क्या होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे जो शलभ होती है वो अपने अंडे, ये शलभ है, ये अपने अंडे किसमें देती है, इसमें देती है एमोर फोफेलस में, और इसके बदला में ये क्या करता है, ये मतलब अपने अंडे देती है इसमें, और ये क्या करता है, इसके अंडे को पालन करता है, और इसके बदले ये क्या करती है, ये निषेचन कराती है यानी परागित करती है इनको, यानी इसके जो एमोर फोफेलस के नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये जा करके मादा पुष्प में अपने अंडे दे देती है, और इसके बदले में ये क्या कराता है कि ये कहता है कि आप यहाँ से नर युग्मक लेकर के आइए, तो ये नर युग्मक को लेकर के मादा युग्मक के पास पहुंचता है, तो इसका भी परागण हो जाता है और इसमें भी ये अपने अंडे दे देती है, तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ऐसे ही आप खीरा, आम, पीपल, धनिया, प्याज, कपास, तंबाकू, इन सब में देख सकते हैं कि इनमें परागण क्रिया कैसे होती है। चलिए परागण कुछ और युक्तियों के बारे में जानते हैं। बहि प्रजनन युक्तियां, अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उसी पुष्प के प्रतिकाग्र के समग्र में संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन के अंत में प्रजन ओमन होता है। पुष्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन का उपाय विकसित किए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित तथा परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, बहुत सारे पुष्प हैं जिसमें स्वपरागण तो हो सकता है, लेकिन वो ऐसे अपने स्थान में यानी वर्तिकाग्र और नर युग्मक के स्थान में ऐसे परिवर्तन किए हैं कि उनमें स्वपरागण को वो हतोत्साहित करते हैं, यानी चाहते नहीं है कि उनमें स्वपरागण हो, और पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं यानी चाहते हैं कि उनमें पर परागण हो। वो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो पुष्प हैं या पादप हैं वो क्या करते हैं, पुंकेसर पुंकेसर तथा स्त्री केसर को, पुंकेसर तथा स्त्री केसर को अलग अलग समय पर परिपक्व करते हैं, यानी पुंकेसर पहले
परिपक्व होगा तो स्त्रीकेसर बाद में होगा, या स्त्रीकेसर पहले परिपक्व होगा तो पुंकेसर बाद में होगा, ये करते हैं। इसके अलावा ये भी करते हैं कि स्त्रीकेसर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, मान लीजिए कि स्त्रीकेसर बहुत बड़ा हो गया और जो पुंकेसर का जो पराग कोष है वो छोटा हो जाएगा, तो अब यहाँ से पराग और उड़ करके ऊपर पहुंचे इसकी चांस बहुत कम है, इसीलिए इसमें पर परागण हो जाता है। या फिर ये करते हैं कि पराग कोष को बहुत बड़ा बनाते हैं और वर्तिकाग्र को बहुत ही छोटा बनाते हैं, इस स्थिति में भी स्व परागण होने के चांस कम होते हैं। तो पुष्प क्या करते हैं, स्व परागण को रोकते हैं, और रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर को अलग अलग समय पर परिपक्व करते हैं, या फिर उनकी उनका जो स्थान होता है वो छोटा बड़ा कर देते हैं, यानी पुंकेसर बड़ा हो जाएगा यानी पराग कोष बड़ा हो जाएगा और स्त्रीकेसर का जो वर्तिकाग्र है वो छोटा ही रह जाएगा, इसके कारण जो स्व परागण होता है रुक जाता है और पर परागण होता है। आगे बढ़ते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, जिसे हम परस्परिक क्रिया भी कहते हैं। परागकण बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है, ठीक उसी प्रजाति का सुयोग परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचे इसके चांसेज बहुत कम होते हैं। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं जिसमें ये या तो उसी पादप के होते हैं या फिर किसी अन्य पादप के। यदि यह स्व परागण के अयोग्य है तो स्त्रीकेसर में यह क्षमता होती है कि वह परागण को पहचान कर सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का परागण पराग सुयोग है या फिर गलत प्रकार का अयोग है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब वर्तिकाग्र पे यानी पुष्प पे तो अनेक प्रकार के परागकण आकर बैठते हैं, वो उसी पुष्प का हो सकता है, उसी जाति के पुष्प का हो सकता है या किसी अन्य पुष्प का हो सकता है, क्योंकि वायु हवा या कीट ये तो पहचान नहीं करते हैं कि ये उसी जाति का परागकण हो तो वहीं पे जाकर बैठना है, तब क्या होता है, इसमें अनेक प्रकार के परागकण आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये पुष्प सभी परागकण से तो परागित होगा नहीं यानी निषेचित होगा नहीं, तो ये क्या करता है, पुष्प में ये क्षमता होती है कि वो पहचान कर सके कि उसके जाति का परागकण कौन है और उसके जो जाति का परागकण होता है उसी को वे स्वीकार करता है और बाकी सभी को अस्वीकार कर देता है, यानी बाकी सब में जो परागकण आता है उसमें पराग नलिका विकसित ही नहीं होने देता है, उन सबको मार देता है और जो इसी जाति के होते हैं उससे ये क्या करता है, परागित हो जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये सब होता है इनके रसायनों द्वारा, यानी रसायनों द्वारा यह पता लगा लेता है कि कौन सा इसी के जाति का है और कौन से दूसरे जाति का है, और इसी को हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। सुयोग परागकण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तक तथा वर्तिकाग्र के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में झड़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये और नंबर में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पराग कण अंकुरित हो रहे हैं और यहाँ पे पराग नलिका का विकास हो रहा है बौ में, और यहाँ पे देखिए एक स्त्रीकेसर का ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पे जो पराग कण पड़े हुए हैं उनमें पराग नलिका का विकास हो रहा है और ये पराग नलिका आकर के यहाँ बीजांड में जाते हैं और यहाँ पे इसको जाकर के ये निषेचित करते हैं। और ये यहाँ पे इनके और इनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है पिछले वीडियो में, तो मुझे उम्मीद है वो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका के वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना होती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशिकीय स्थित होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत में ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। ये याद रखिएगा कि पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, यानी जब वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि होती है उसी समय दो नर युग्मकों की रचना होती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशीय होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत से ही
दो नर युग्मकों को ले जाती है, यानी जहां पे 3 कोशिकीय होते हैं वहां पे ये कितने युग्मकों को ले जाता है, दो युग्मकों को। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो नर युग्मक है यहाँ पे, ठीक है, तो दो नर युग्मक को ले जाती है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वर्तिकाग्र पर पराग कण अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। इसमें क्या क्रिया होती है, तो वही वर्तिकाग्र द्वारा पराग कणों की पहचान करना और उसको ले जा करके बीजांड तक पहुंचाना, ये सब क्या है, पराग स्त्री केसर संकर्षण है। पराग स्त्री केसर संकर्षण को अगर देखना है, यानी पराग नलिका को अगर देखना है, तो ये करना है आपको, एक स्लाइड लेना है, यानी एक लोहे शीशे की पट्टी, और उसपे कुछ पराग कणों को रख करके जल उस पे डाल करके थोड़ा सा गर्म करना है। 15 से 30 मिनट के बाद आप देखिएगा कि उस स्लाइड पे पराग नलिका का विकास हो गया है। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम संकरीकरण की। कृत्रिम संकरीकरण में क्या होता है, इसमें जब पुष्प को परागित किया जाता है, तो अपनी मनचाहे पराग कण के अनुसार उसका संकरण कराया जाता है। उसके लिए कई विधियां अपनाई जाती है, जिसको हम लोग डिटेल में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूं कि क्या करते हैं, कुछ बेसिक सा, कि एक पुष्प में, मान लीजिए कि ये एक पुष्प है, यहाँ पे एक, मान लीजिए मैं एक पुष्प बनाता हूँ कोई सा भी, यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, और इधर ये पराकोष है, और इसे हम चाहते हैं कि इस पराकोष से, यानी अपनी जाति के पुष्प, अपनी जाति के पराकोष से परागित नहीं हो, तब क्या करते हैं, हम इसको काट करके निकाल लेते हैं, ठीक है, और वर्तिकाग्र को ढक देते हैं ताकि इस पे अन्य पराग कण भी नहीं आए, और फिर हम जिस पराग कण से इसको परागित करना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं, इस ढक्कन को हटा देते हैं, जो कि बटर पेपर से ढका जाता है, बटर पेपर को हटाते हैं, और उस पे फिर वो पराग कण को छिड़क करके ढक दिया जाता है, और कुछ समय बाद उसमें निषेचन हो जाता है। और इस जो पराग को उसको हम लोग काट कर निकालते हैं, इसके क्रिया को विपुंसन कहते हैं, यानी विपुंसन में क्या कहते हैं, जो नर जनन अंग होता है उसको काट करके हटा दिया जाता है और अपने मन से निषेचन कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको दोहरा निषेचन या द्विनिषेक निषेचन के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह हमें जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।